शाही नगर के एरिया में जुमेरात के दिन हैदराबाद लेप्रोसी कंट्रोल हेल्थ सोसाइटी की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाए। डॉक्टर मोहम्मद इलियास बोले कि लोगों को HIV एड्स के बारे में बता रहे हैं ताकि मुतासरीन को ये बीमारी का इलाज कराने में सहूलत मिल सके। मैं डॉक्टर इलियास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैदराबाद लेप्रोसी कंट्रोल हेल्थ सोसाइटी। हैदराबाद लेप्रोसी कंट्रोल हेल्थ सोसाइटी करीब 30 साल से ज़्यादा बोलते से ओ सी टी के इलाकों में बोलते से HIV एड्स, लेप्रोसी और TB पे काम कर रहे हैं। तो आज बोलते से यहाँ पर शाहीन नगर पे बोलते से हम लोग HIV एड्स अवेयरनेस के तहत बोलते से कैंप ऑर्गेनाइज करें। यहाँ पर HIV एड्स बोलते से लोगों में बोलते से थोड़ा शऊर बोलते से आ रहा, अभी और आना ज़रूरी है। HIV एड्स फैलने का जो तरीका है, जिनसी ताल्लुका अनप्रोटेक्टेड जिनसी ताल्लुका है और सिरिंजेस नीडल्स है माँ से बच्चे को आने का है, तो ऐसा बोलते से वो है। और इसके साथ साथ बोलते सो HIV एड्स किसी के हाथ से हाथ मिलाने में बोलते से नहीं फैलता, साथ बैठ के खाने से नहीं फैलता, साथ कपड़े इस्तेमाल करने से नहीं फैलता, साथ इनका टॉयलेट अगर हम यूज़ करें उससे नहीं फैलता। अभी अलहमदिल्ला बोलते से HIV एड्स के बोलते सो मेडिसिन अवेलेबल है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं 100% इसको बोलते से HIV एड्स कंट्रोल कर सकते हैं अपन। पेशेंट जब भी डिटेक्ट हुआ उसको बोलते सो CT4 काउंट के लिए ARTP के सेंटर पर लिख जाते हैं, वहाँ पर CT4 काउंट कराते हैं और जिसका CT4 काउंट बोलते सो बिलो 500 रहता है उसको बोलते हैं ARTP मेडिसिन। उस्मानिया गांधी और चेस्ट हॉस्पिटल से बोलते से मेडिसिन अवेलेबल कराते। अगर किसी भी लोगों को बोलते कुछ भी डाउट दिख रहा है तो फलकमा पे मदीना कॉलोनी हैदराबाद लेप्रोसी कंट्रोल हेल्थ सोसाइटी का ऑफिस है, वहाँ पर रोज़ शाम में 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं। ये पूरे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है।